आपका जी गुरुजी में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम आईएएस एग्जामिनेशंस के वैलिड नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी की और यहाँ पर कौन से बच्चे भर सकते हैं फॉर्म्स उनके बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका, वो है सबसे पहले आप होने चाहिए एक इंडियन नेशनैलिटी के स्टूडेंट या इंडियन नेशनैलिटी के इंडिविजुअल। यूपीएससी सिविल सर्विसेज को जो क्लियर करता है, पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंक की पोस्ट उनको प्रोवाइड की जाती है ब्यूरोक्रेट्स में। जी हाँ, ब्यूरोक्रेट्स में। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके बाद मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर आते हैं, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो मेंस पेपर होता है, मेंस में आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, आपके जीएस के पेपर होते हैं, आपके क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और हर सब्जेक्ट का पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स में ये पेपर, ये आंसर्स लिखने होते हैं। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अच्छे आंसर्स आपको लिखने होते हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलनी जरूरी है। इसके बाद आता है इंटरव्यू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आ गई हूँ आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही फेमस शहर में, जो है विजयवाड़ा। जी हाँ, विजयवाड़ा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आईटी पोस्टिंग भी होती है, आईटी हब ये बन रहा है धीरे धीरे, और इसी शहर में बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स, एंट्रेंस एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इस शहर में बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आज हम ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो विजयवाड़ा में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो अगर आप भी विजयवाड़ा में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है आपकी प्रिपरेशंस के लिए। इससे पहले ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां हमने बोरीवली के हर टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जाना है, हर इंस्टीट्यूट की रैंकिंग वाइज हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ एक शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन भी दी है, सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं, एड्रेस भी दिए हैं। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर भी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा अच्छा है प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूंगी इंडिविजुअल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको दी है इन डिटेल, जहां हमने जाना है हर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं हर इंस्टीट्यूट के बारे में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हर्षित इंस्टीट्यूट की। हर्षित इंस्टीट्यूट पूरे के पूरे विजयवाड़ा में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशंस के लिए रैंक नंबर 3 पर आता है। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और इस लोकेशन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट में आपको स्टडी मटेरियल कोर्स के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। रिसर्च करके बनाया जाता है, एक्सपर्ट्स द्वारा बनवाया जाता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और इनका रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे वे में इंप्रूव हो रहा है, यानी हर साल इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं और वो बच्चे आपसे दोबारा मिल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी और वो चीजें आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और